आखिर इसमें बुराई क्या है? बुराई है, बाप का कहना ना मानना बुराई है। लेकिन कोई तो वजह होगी, आपको क्यों एतराज है मेरी शादी पर? देखो अली, मैंने बहुत छोटी सी उम्र में बहुत कुछ सफर किया, और मैं नहीं चाहता कि जो कुछ मैंने सहा है वो तुम भी सहो। लेकिन बाबा, आपके और मेरे हालात में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? तुम बाप के पैसों पे ऐश करना जानते हो, दौलत की रेल फेल मालूम है तुम्हें। कुछ नहीं सोचा तो सोचा शादी कर लूं, है ना? मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। मैंने सिर्फ ये सोचा कि जब सनम से शादी करनी है तो क्यों ना अभी कर लूं। उसके साथ शादी के बगैर घूमना गलत है, गुनाह है। गलत है तो छोड़ दो उसे, पढ़ाई पे ध्यान दो। ऐसा नहीं हो सकता बाबा, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं सनम को छोड़ दूं। तो फिर मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मेरे लिए यह मुमकिन नहीं है कि तुम्हारी इतनी सी उम्र में शादी करवा दूं। तुम बस कह दिया मैंने, अभी नहीं हो सकती तुम्हारी शादी। पढ़ो लिखो, कुछ बन के दिखाओ, फिर सोचूंगा इस बारे में। शादी करने चले नवाब साहब। आप एक बार ठंडे दिमाग से अली की बात तो सुने, समझे उसे। हमने अपनी तरबियत में यही तो सिखाया है। मीना, तुम इसकी तरफदारी मत करो। मुझे पता है आप क्यों नहीं मान रहे। अच्छा, तो जरा मुझे भी पता चले क्यों नहीं मान रहा। अम्मा को क्यों नहीं बता देते आप उन आंटी के बारे में जिनको आप अपनी कुलीग कह रहे थे? मुझे तो लगता है आपका और उनका फेयर चल रहा है। बाप पे शक कर रहे हो, बदतमीज बेशरम। शक नहीं, यकीन है मुझे। अली, खामोश हो जाओ।